नमस्कार दोस्तों, बेसिकली आज हम लोग निकल चुके हैं मेरे घर से और हम आज जाएंगे कालियागंज अखिल भारत विवेकानंद जीव महामंडल पर और जो है पार्वती सुंदर हाई स्कूल में हेल्ड हुआ है। तो हम लोग अभी जाने वाले हैं, तो घर से बेसिकली हम निकल चुके हैं, हमारे गांव से जा रहे हैं, ठीक है, और वो भी दोस्तों हमारी साइकिल से जा रहे हैं। तो आगे की ब्लॉग दोस्तों आपको मिलेगी और गाँव के थोड़ा बहुत आपको जो है दृश्य मिलेगा और आगे जाओगे हम बस स्टैंड पर रुकेंगे और वहाँ से हम गाड़ी पकड़ के सीधे जाके उतरेंगे हमारी जो कालियागंज में, ठीक है, कालियागंज कालीबारी जो है वहाँ पे हम रुकेंगे और उसके बाद आगे जो है आपको ब्लॉगिंग जो है मिलते रहेगी। तो चलिए दोस्तों आप बस थोड़ा सा विलेज का मजा लीजिए। दोस्तों ये रहा हमारा गांव का पोस्ट ऑफिस और इधर दोस्तों है एक मंदिर, दुर्गा मंदिर, ठीक है ना, और आगे दोस्तों दाएं तरफ है हमारा जो ग्राम पंचायत और वहाँ पे स्टेट बैंक का मिनी ब्रांच भी है, ठीक है ना। तो आगे हम दिखाएंगे, आप लोग बस देखते रहो दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो आगे हमारा पंचायत का एक बड़ा सा घर है जिसे हम हॉल रूम कहते हैं, ठीक है ना। और आगे दोस्तों ये रहा हमारा मेन पंचायत, आ गए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा मेन पंचायत है, ठीक है, हमारा गांव का। और दोस्तों आगे बढ़ता है हमारा स्कूल जहाँ पे मैंने इसी साल जहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि HS का एग्जाम इसी साल मेरा ख़त्म हुआ है और आगे मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन ले आया हूँ, ठीक है ना। और आगे दोस्तों यहाँ पे हमारे बाएं तरफ कॉलेज पड़ता है, लेकिन सॉरी स्कूल पड़ता है, लेकिन मैं उसे नहीं दिखा सकता क्योंकि हम दोस्तों अभी हम साइकिल रख के आए हैं मेरे दोस्त के घर, अभी हम जाएंगे और नेशनल हाईवे के उठने के बाद वहाँ से हम टोटो पकड़ के जाएंगे सीधे बस स्टैंड, ठीक है ना। तो हमारे नेशनल हाईवे NH 512 वहाँ पे हम टोटो पकड़ेंगे और ये मेरा दोस्त है जो मेरे साथ जा रहा है, मैं अपना नाम बता दे। मेरा नाम है धीमान रॉय, ठीक है। चल भाई अभी आगे हम ब्लॉग दिखा देते हैं लोगों को ताकि लोग बोरिंग ना हो। गाइस बेसिकली हमारा जो है पुनर्वा रिवर है, ठीक है, कि हमारा जो शहर का नदी है बस एक ही नदी हमारे शहर में है और इसका जो छोटा एक शाखा है पीछे वो हम जाते वक्त दिखाएंगे क्योंकि हम उल्टी दिशा में जाएंगे। अभी हम बस स्टैंड जा रहे हैं, वैसे गाड़ी बचेंगे और उल्टी दिशा में जाएंगे। गाइस ये हमारा बस स्टैंड है जो पीछे देख रहे हो, वहाँ पे एग्जिट है, ठीक है, एंटर उस तरफ है, ठीक है, वहाँ पे एग्जिट है। दोस्तों अभी हम बस स्टैंड पे रुके हैं थोड़ा और इतनी गर्मी है दोस्तों, हम अभी ठंडा खा रहे हैं इतनी गर्मी में, ठीक है ना। तो आगे हम जाएंगे स्टेट बस के डिपो पर, वहाँ से हम स्टेट पकड़ेंगे और इतनी गर्मी है क्या बताओ यार, पसीना जा रहा है इतना ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम, यहाँ पे दुकान है हमारा जो बस स्टैंड का वहाँ पर, और दोस्तों ये रहा हमारा बस स्टैंड का एंटर, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हम थोड़ा खाना पीना करके आगे जाके बस स्टैंड पे स्टेट के डिपो में जाएंगे और स्टेट बस पकड़ेंगे। दोस्तों हम अभी गाड़ी में चढ़ चुके हैं, अभी जाएंगे और सीधे उतरेंगे कालीगंज। गाड़ी में ज़्यादा वक्त भीड़ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको जो बाहर का दृश्य जो है दिखा सकता हूँ क्योंकि अभी थोड़ा लोग बैठे हैं ना, विंडो के साइड पे लोग बैठे तो ज़्यादा नहीं दिखा सकता। तो चलिए हम आगे सीधे हम जाएंगे कालीगंज उधर पे। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारे जो हाई स्कूल पे, ठीक है, वहाँ पे हमें कैंपिंग है और ये रहा हमारा बैच, हमने बैच खरीद लिया, मतलब कलेक्ट कर लिया है। अभी हम जाएंगे टिफिन खाने के बाद वहाँ पे जो पीरियड हो रहा है आप लोग शायद सुन सकते हो बाहर, ठीक है, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे हम वीडियो तो नहीं कर सकते, थोड़ा फोटोग्राफी आपको दिखा देंगे। तो कैंपिंग की जो टिफिन टाइम है तो यहाँ पे हम लोग आपको थोड़ा पिक्चर की रिव्यू दिखाएंगे जो हमारे स्वामी जी माता जी और जो हमारे रामाकृष्ण जी हो उसका थोड़ा फोटो है, तो आप लोगों को बस वही दिखाएंगे। यहाँ पे फोटो जो फोटो गैलरी है ना वहाँ पे फोटो गैलरी बहुत सारी है, तो आपको दिखाएंगे आगे, ठीक है, आप देखते रहिए। We'll be right back.
हम निकल चुके हैं और सुकंत मोर है, यहाँ से हम जाएंगे शेख कॉलोनी पे, वहाँ पे मेरे मामा आएगा और हम शायद गाड़ी में जाएंगे, पता नहीं क्या जाएंगे। तो चलिए अभी आगे की जो आप कालियागंज की कालियागंज टाउन की थोड़ा आप रिव्यू देख लीजिए, और पीछे हमारे जो रेलवे क्रॉसिंग है, ठीक है, रेलवे क्रॉसिंग, ठीक है, इधर से इधर होके जा रहे हैं, ठीक है, अब आगे हम जा रहे हैं यार, क्या बताऊँ। चलिए आगे के आप लोग व्यू देख लीजिए थोड़ा। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on. अब हम फाइनली आ चुके हैं शेड कॉलोनी। अभी शेड कॉलोनी ठीक से नहीं हुआ, वहाँ पे पीछे की तरफ है और इसका नाम पता नहीं क्या नाम बोला यार, सिमुलतला। तो सिमुलतला के नाम से है, तो समझ ही सकते हो यार, बंगाली नाम है, ऐसा ही होता है। तो वहाँ पे एक मंदिर है, आप लोग देख सकते हो, और मेरे मामा थोड़ी देर में आने वाला है, पता नहीं कहाँ से आने वाला है, पहली बार मामा के घर जा रहा हूँ यार, अपना मतलब मेरे माँ का चचेरा भाई है यार, ऐसे इसलिए मुझे नहीं पता और पहली बार आया हूँ। तो दोस्तों आज के लिए ब्लॉगिंग यहीं पर ख़त्म होता है, और कल जब रिटर्न करेंगे हो सकता है तो वीडियो कर दूंगा या फिर नहीं कर दूंगा। आज के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।